Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों आज हम लोग विभाजन के ऊपर केंद्रित पिछले दो लेक्चर से आगे हम सिनेमा और विभाजन के इतिहास के संबंध में बातचीत करेंगे इससे पहले हमने विभाजन के उच्च राजनीतिक पक्ष के बाबत जो इतिहास लेखन रहा है पिछले पचास सालों में उसके ऊपर चर्चा की और हमने इस बात पर भी चर्चा की कि, कि किस तरह से 1980 के दशक के मध्य से खासकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के बाद इतिहास लेखन ने एक नया मोर अख्तियार किया जहां पहली बार विभाजन की त्रासदी भोगे हुए आम लोगों के दुख दर्द उनकी पीड़ा उस हिंसा जिसको वे भुगत रहे थे उसकी स्मृतियां आदि के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा और इस पर हमने विस्तार से चर्चा की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक अहम बिंदु बंटवारे के विभाजन के इतिहास की जो समझ हमारी बनी है उस समझ में योगदान देने के लिए सिनेमा का महत्वपूर्ण स्थान है तो इस सिनेमा के बदलते हुए स्वरूप की बात करेंगे और इसका इतिहास लेखन की दृष्टि से क्या महत्व हो सकता है क्या महत्व है इस पर भी चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता ही होगा यदि आप इस श्रृंखला को फॉलो कर रहे होंगे कि यहाँ हम आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के संबंधित और उसकी बदलती हुई प्रवृत्तियों की का लेखा जोखा रख रहे हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो जब हम सिनेमा की बात करते हैं खासकर बंटवारे के संबंधित सिनेमा या फिर यूं भी सिनेमा एक जो सिनेमेटिक रजिस्टर जो है उसकी बात करते हैं सिनेमा का इतिहास में योगदान की बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हम जो इतिहास की लिखित साक्ष्यों के ऊपर आधृत जो समझ है उसके परे जाने की बात है इतिहास इन्हीं लिखित सामग्रियों के आधार पर लंबे अरसे से लिखा जाता रहा और यह इतिहास के एपिस्टमोलॉजी के उसके मेथोडोलॉजी के आधार में रहा है आरकाइव की महत्ता रही है केंद्रीय महत्ता रही है लेकिन सिनेमा न तो सरकारी दस्तावेज है न ही यह एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म की या डॉक्यूमेंट्री फिल्म फुटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ लोकप्रिय पॉपुलर सिनेमा की बात कर रहा हूँ तो ऐसे में इतिहास अतीत की समझ बनाने के लिए सिनेमा का उपयोग किस तरह से किया जाए यह भी चर्चा का विषय विवाद का विषय रहा है इतिहासकारों के मध्य और यहाँ कुछ कुछ जो विवाद या विमर्श है वह उसी तरह का है कि साहित्य और इतिहास का क्या संबंध होता है या अन्य दृश्य माध्यम जैसे फोटोग्राफी कार्टून आदि का इतिहास के साथ क्या संबंध है हम लोग इस दिशा में विशद चर्चा यहाँ नहीं कर पाएंगे समय का अभाव है और हमारा केंद्र बिंदु बंटवारे की सिनेमा की पड़ताल है लेकिन यहाँ एक बात की तस्दीक कर देना जरूरी है कि जब हम सिनेमा के माध्यम से इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमारा नज़रिया वही नहीं रह जाता जो कि आर्काइव में बैठकर सरकारी दस्तावेजों को पढ़ते हुए होता है हमारे सरोकार हमारे प्रश्न इतिहास को देखने का नजरिया यह तीनों बदल जाता है और क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोकप्रिय सिनेमा या साहित्य एक फिक्सनलाइज्ड रजिस्टर है तो फैक्ट और फिक्शन के बीच का जो नाता है वह दूरी बनी रहेगी दोनों के बीच आपसी संबंधों की संश्लिष्टता पर भी हमें गौर करना होगा और इस सब के मुद्दे नजर ही हम इस इतिहास को बेहतर तरीके से उपयोगी तरीके से इसके साथ संवाद कर सकते हैं यहाँ एक और सवाल उठता है कि हमें सिनेमा के तरफ सिनेमा की तरफ जाने की जरूरत क्यों है इसकी क्या अहमियत है तो एक बार मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा आप सबको जो मैं पिछले दो लेक्चर्स में भी कहता आया कि विभाजन का इतिहास एक लंबे समय तक उच्च राजनैतिक विमर्श का इतिहास रहा और यदि हमें उस विमर्श से आगे किस तरह से बंटवारे ने इस उपमहाद्वीप के आम जीवन को प्रभावित किया समाज और संस्कृति को प्रभावित किया हमारी मान्यताओं को प्रभावित किया यदि हमें इन सब सवालों का जवाब खोजना होगा तो हमें सरकारी आर्काइव से बाहर निकलकर इस जनता के आर्काइव इस लोकप्रिय आर्काइव की तरफ रुख करना होगा और यहाँ एक और बात है कि जहाँ एक और इतिहास लेखन जो अकादमिक इतिहास लेखन है वह इन मुद्दों पर बड़े लंबे समय तक चुप रहा वहीं दूसरी तरफ साहित्य और सिनेमा बंटवारे के ठीक बाद से इस भीषण त्रासदी से मुखातिब थे साहित्य के क्षेत्र में हम जानते हैं चाहे वह सदत अली हसन मंटो हों जिनके शॉर्ट स्टोरीज़ स्या हाशिए जो बंटवारे के दर्द और उसके भीषणता उसकी क्रूरता को हमारे सामने लाता है या झूठा सच जैसा उपन्यास हो या फिर कृष्णचंद्र की कहानी हो अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं आधा गांव हो राही मसूम रजा का और इनसे बंटवारे के एक अलग तरह के मानवीय संवेदना से युक्त सामाजिक परिस्थिति का सामाजिक इतिहास का हमें एहसास होता है और 1980 के दशक के बाद से जब से विभाजन के इतिहास लेखन ने एक नया मोड़ लिया तब से साहित्यिक का भी इतिहास लेखन में भरपूर उपयोग किया जाता है और एक बेहद अहम बात यह है कि इन सब अलग अलग रुझानों ने चाहे वह साहित्य के साथ इतिहास का डायलॉग हो इस विषय पर या सिनेमा के साथ इतिहास का डायलॉग हो पार्टिसन हिस्टोरियोग्राफी ने भारतीय इतिहास लेखन को कई तरह से झकझोर कर रख दिया है और यह जो झकझोरना है मेथोडोलॉजिकल स्तर पर हो या कुछ जरूरी सवाल को उठाने के स्तर पर हो नए आर्काइव के को सामने लाने की बात हो इन सभी स्तरों इस पर इसने बहुत कुछ इतिहास को नया दिया है नए सोचने पर विवश किया है तो ये एक बहुत फ्रूटफुल डायलॉग आप कह सकते हैं रहा है तो जब हम इस भूमिका के साथ सिनेमा की तरफ रुख करते हैं और यह जो हम एक समानांतर आर्काइव की बात कर रहे हैं इसके क्या मायने हुए क्या हम जब इन सिनेमा को देखें तो बंटवारे से जुड़ी हुई सूचनाओं को एकत्र करने के लिए हम इन सिनेमा की तरफ रुख करें मेरा जवाब शायद नकारात्मक होगा और यहाँ सिनेमा या साहित्य हमें उस एफेक्टिव टर्न की तरफ ले जाता है उन संवेदनाओं की तरफ ले जाता है जिसे पॉजिटिविस्ट तरीके से वेरीफाई या फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता है यह हमारे चेतन मन को संबोधित करता है तो यहां सूचना सत्य है या असत्य है उससे अधिक जो छवियां गढ़ी जा रही हैं और उन छवियों के गढ़ने का क्या व्याकरण है सिनेमा जाहिर सी बात है कि दृश्य श्रव्य माध्यम है तो दृश्य और श्रव्य तकनीक के द्वारा किस तरह की छवियां गढ़ी जा रही हैं किस तरह का के सरोकार हमारे सामने लाए जा रहे हैं और इन सरोकारों का समाज पर क्या असर हो सकता है इन सब तमाम बातों का यदि आप सीधे उत्तर खोजने जाएं तो शायद आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा लेकिन जैसा कि हम सांस्कृतिक इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि सांस्कृतिक इतिहास में संपर्क संबंध एक घटना का दूसरे घटना हिस्टोरिकल रजिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशंस का संबंध परोक्ष रूप से समाज और संस्कृति के साथ हुआ सक, करता है तो कारण परिणाम संबंध से हमें परे जाकर इस आर्काइव को खंगालना होगा एक और बात है कि जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो या इस वैकल्पिक आर्काइव की बात करते हैं तो हम इसे इतिहास लेखन की संज्ञा से क्यों न बाजें मतभेद हो सकता है लेकिन यहां मेरा उद्देश्य इतिहास लेखन के इस की इस संभावना की तरफ इशारा करने का इसलिए भी है कि आप इस बात से भी परिचित हों कि इतिहास की समझ अतीत की समझ कोई खास चौकठे में ही रहकर अब नहीं देखी जाती है पिछले पचास सालों में अलग अलग तरीके से इतिहास के साथ अतीत के साथ संवाद किया जाता है जो विश्वविद्यालय और अकादमिक हलकों में भी होता है और इसके बाहर भी जो सांस्कृतिक कर्मी हैं साहित्यकार हैं फिल्मकार हैं वे अपने तरह से इस इतिहास का निर्माण करते हैं तो उस तरह से भी सिनेमा हमारे लिए एक बहुमूल्य ज्ञान की थाती के रूप में हमारे सामने आता है यहाँ महज यह भी बात नहीं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है एक पुरानी कहावत है जाहिर सी बात है कि साहित्य समाज का आईना होता है वह अपने समय का दस्तावेज होता है लेकिन यह कोई एक पैसिव रिसोर्स नहीं है यह दो तरफ़ा समाज के साथ संवाद करता है यह समाज की सामूहिक स्मृति को संजो कर रखता है लेकिन साथ साथ उस सामूहिक स्मृति के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाता है और जब मैं यहाँ यह बात कह रहा हूँ तो मुझे एक दिलचस्प वाक़ याद आता है जिसे मैं यहाँ आप सब से साझा करना चाहूँगा जब आज से करीब बीस साल पहले मैं एक शोधार्थी की तरह बंटवारे के इतिहास से जुड़ा हुआ फ़ील्ड वर्क कर रहा था जो लोग उस समय पाकिस्तान से भारत आए थे शरणार्थी की तरह उनसे साक्षात्कार कर रहा था तो इनमें से कई महिलाएं कई लोग जाहिर सी बात है कि उस समय इनकी उम्र औसतन पैंसठ छियासठ साल से ऊपर की थी और इनमें से कईयों को यह समझाने में ख़ासा मशक्क़त मुझे करना पड़ता था कि मैं यह शोध इतिहास की समझ को बढ़ाने के लिए शोध आलेख और किताब लिखने के उद्देश्य से कर रहा हूँ लेकिन जब उन्हीं के घर की उनके परिवार की अगली पीढ़ी उन्हें बताती थी कि ऐसे ही शोधों से इसी तरह से लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद सिनेमा आती है उन्हीं दिनों मशहूर हिंदी के ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी तो इन बुज़ुर्गों को मेरा उद्देश्य समझने में कतई मुश्किल नहीं हुआ और फिर हमारा हमारे बीच एक नाता सा बन गया और उन्होंने कई अहम बातें उस दौर की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें हमसे साझा की तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गदर एक प्रेम कथा एक ऐसे सिनेमेटिक मोमेंट की तरह हमारे सामने आता है जबकि आम जन भी बंटवारे के बारे में उस इतिहास के बारे में जानने को बताने को उत्सुक हो चुका था उत्सुक हम हमारे उत्सुक नज़र आता है तो इन सिनेमेटिक मोमेंट्स इन सिनेमा के रिलीज के साथ जब जन चर्चाएं होती हैं उस उन लम्हों में भी अतीत के अनुभव वापस समाज के सतह पर आते हैं और इस तरह से वह हमारे ज्ञान की थाती में इजाफा करते हैं इसी तरह से एक और लम्हा है कि इनमें से बहुत सारे बुजुर्गों जिनकी बात मैं कर रहा था जिनसे मैं बात कर रहा था पार्टीशन शोध के दौरान इनमें से बहुतों ने चर्चा की पार्टीशन से जुड़े हुए एक ऐसे फिल्म की जिसे लगभग भुला दी गई जो फिल्म था लाहौर उन्नीस की फिल्म और यह आश्चर्य का विषय हो सकता है कि इनमें से बहुत से व्यक्तियों के जेहन में उस लाहौर सिनेमा का कथानक साठ बासठ साल बाद भी उतना ही तरोता जा था। तो सिनेमा इस तरह से इतिहास को भावनाओं को स्मृतियों को नई दिशा भी देता है संयोजित करता है और संजो कर भी रखता है कई बार स्मृति मेमोरी स्टडीज़ के जो विद्वान हैं वे हमें यह भी बताते हैं कि स्मृतियाँ कई बार बदलती भी रहती हैं और जनसंचार के माध्यम सिनेमा साहित्य का भी इन पर प्रभाव पड़ता है तो यह भी देखने में आया कि कई ऐसी घटनाएँ जो लोगों ने प्रत्यक्ष न भी देखा हो उस पर भी वह सुनी सुनाई घटनाएं, मिथक अफवाह इन पर भी लोग विश्वास करते हैं करने लगते हैं ऐसे मानो ये घटनाएं उन्हीं के जीवन में या उन्हीं के सामने घटी हो तो इसलिए भी मैंने पहले ही ताकद किया था कि हमें जब सिनेमा या साहित्य या किसी भी तरह के दस्तावेज़ की तरफ हम जाएं तो हमें बेहद सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने होंगे तो इस के साथ मैं यहाँ आज तीन किस्म के सिनेमेटिक मोमेंट्स की बात करना चाहता हूं और या फिर शायद चार और इन तीन चार सिनेमेटिक मोमेंट्स पीरियड्स में जो सिनेमेटिक रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आए हैं उनके जरिए बंटवारे की संश्लिष्टता को समझने का उसको रेखांकित करने का हम प्रयास करेंगे तो पहली बात इन लम्हों की तरफ जाने से पहले जो मैं सतर्कता की बात कर रहा था और जाहिर सी बात है कि यह एक दृश्य श्रव्य माध्यम है या लिखित दस्तावेज नहीं है तो यहाँ यहाँ जो छवियाँ गढ़ी जाती हैं यहाँ हम एक अलग किस्म की प्रक्रिया से भी वाकिफ होते हैं जैसे और इस तरफ सिनेमा के इतिहासकार भास्कर सरकार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वे बताते हैं कि एक फिल्म आई सबनम 1948 में और इसमें एक फुटेज का इस्तेमाल हम पाते हैं जिसमें एक बच्चा एक गधे के पीठ पर सवार चला जा रहा है बाद में भास्कर सरकार बताते हैं कि यही फुटेज उन्नीस में जब फिल्म्स डिवीज़न ने द एगनी ऑफ पार्टीशन नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें भी इस, इसी फुटेज का इस्तेमाल हो रहा और यह फुटेज दरअसल उन्नीस सौ के बंगाल अकाल से जुड़ा हुआ है तो कई बार फिल्म निर्देशक अपनी कहानी कहने के लिए अलग अलग तरह के फुटेज का इस्तेमाल करते हैं जो एक मेटाफर की तरह अपने स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से निकलकर वह अनेक कॉन्टेक्स्ट में बिछरने लगता है मानो जैसे कविता की कोई पंक्ति हो या कोई गाने का पंक्ति हो जो समय और काल की सीमा से परे हो जाता है तो इसलिए भी मैंने यह ताकीद की कि जब आप सिनेमा और इतिहास की बात करें तो इन सभी तरह की पेचीदगियों से वाकिफ हो ही होकर ही हम इस इतिहास से रूबरू हो सकते हैं कई ऐसे फुटेज हैं इन सिनेमा में जो दरअसल सिनेमा के निर्देशक रिक्रिएट करते हैं वह वा वास्तविक घटना पर की के फुटेज नहीं होते तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा हम इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है पर उससे पहले मैं संक्षेप में बताऊं कि हम आज एक तो ठीक बंटवारे के ठीक बाद का जो माहौल था सिनेमैटिक इन्वायरमेंट 1950 का दशक आप कह सकते हैं 1950 से 1965 के दशक पैंसठ तक का जो लम्हा है उसकी संबंध में कुछ मोटी बातें करेंगे फिर एक नया अध्याय 1975 में एम एस सथ्यू की बेहद महत्वपूर्ण सिनेमा गर्म हवा आती है उसके बारे में बात करेंगे मध्य 1980 के दशक के बाद 1988 में तमस जो गोविंद नेहलानी की थी उसकी संक्षेप में उसका उदाहरण देंगे और फिर 2001 के आसपास और उस समय से जो लोकप्रिय फिल्म हैं जिसमें गदर एक प्रेम कथा 1947 अर्थ पिंजर ट्रेन टू पाकिस्तान गौहर जान इन सब सिनेमा के बारे में जिक्र करेंगे बेहद विस्तार से जाने का तो आ, समय नहीं है लेकिन इन सब के उदाहरण के साथ हम इस इतिहास लेखन की बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं बंटवारे के ठीक बाद के सिनेमा से और लाहौर जिसका मैंने जिक्र किया इसी के साथ छलिया जो 1960 में राज कपूर, में राजकपूर प्राण नूतन जिसमें हैं या फिर धर्मपुत्र है वक्त है इनमें से नास्तिक जो उन्नीस में आया इन सिनेमाओं में हम देखते हैं खासकर यदि आप छलिया और लाहौर के शुरुआती सीन देखें और आज के समय में जब हम लोग डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं आप इन सभी सिनेमा को यूट्यूब पर बहुत आसानी से देख सकते हैं तो छलिया और लाहौर की मैं बात कर रहा था शुरुआत में ही हम देखते हैं कि बंटवारे से पहले के एक स्वर्णिम समय एक ऐसा समय जो जहाँ जिंदगी हंसती खेलती थी जहाँ प्रॉस्पेरिटी था समृद्धि थी खुशहाली थी उसका दर्शन हमारे सामने होता है और यह एक ऐसे कंट्रास्ट को दर्शाने के लिए होता है जिससे विभाजन की त्रासदी को अधिक फोर्सफुली दर्शक के सामने पेश किया जाए और जैसे लाहौर में की शुरुआत होती है लाहौर के लंबे चौड़े सड़कों भव्य गलियों भव्य इमारतों का बहुत चमकदार चित्रण से इसी तरह छलिया में हम देखते हैं कि फ़िल्म की मुख्य नायिका नूतन कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक रेलगाड़ी में आ रही है रेलगाड़ी के ऊपर लाहौर से दिल्ली लिखा हुआ है रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है ये सभी सांकेतिक दृश्य सिंबल्स आप कह सकते हैं जिनके अर्थों को समझना होगा और वह नूतन की तरफ कैमरा जूम होता है नूतन खिड़की से बाहर देखती है और खिड़की से बाहर वही बंटवारे से पहले का खुशहाली वाला हंसता खेलता समृद्ध लैंडस्केप हमें मिलता है तो यह जो एक लैंडस्केप का ट्रांजिशन इन सिनेमाओं में दिखाया जा रहा है उससे एक तरफ तो विभाषण किस तरह से बंटवारा अचानक हुआ भले ही हमने देखा है कि बंटवारे के कारण संप्रदायवाद के इतिहास में गहरे जमे हुए थे और संचालिस के बाद से राजनीतिक हलकों में भी इस तरह के कयास हो रहे थे 1946 में भी बहुत भीषण दंगे हुए थे तो यदि उस राजनीतिक इतिहास की तरफ देखें तो बंटवारा एक सीरीज़ ऑफ़ प्रोसेसेस या सीरीज़ ऑफ़ इवेंट की तरह नज़र आता है लेकिन जब आम आदमी के नज़र से देखें तो उनके लिए यह एक ऐसा जलजला जैसा था एक ऐसी आपदा जिसका जिसके होने की संभावना आशंका तो उनके मन में थी लेकिन यह अचानक इस तरह से हो जाएगा यह भी उन्होंने नहीं सोचा था तो इसकी जो आकस्मिकता है वह इन सिनेमाई तकनीक के द्वारा निर्देशक हमारे सामने लाते हैं दूसरी तरफ यह जो मेटाफर है और यह जो अप्रत्यक्ष रूप से बातें कहने की रचनात्मक जो इन्वेस्टमेंट है वह देखें तो कई ऐसे सिनेमा इस दौर में हमें मिलते हैं जहां विभाजन भले ही सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कहानी का विषय न रहा हो कथानक न रहा हो लेकिन जब कथा कुछ और भी त्रासदपूर्ण घटनाओं का जिक्र करती है तो एक समीकरण सा दर्शकों के मन में बन जाना बहुत स्वाभाविक सा लगता है जैसे उन्नीस में जब मशहूर फिल्म वक्त आया तो वक्त में दरअसल विभाजन का सीधा जिक्र नहीं था लेकिन एक हंसते खेलते परिवार जिसके मुखिया बलराज साहनी थे उन पर मुसीबतों का दौर शुरू होता है और अचानक से वह परिवार कठिनाइयों से घिर जाता है समय बदल जाता है तो ऐसे में कहीं न कहीं विभाजन का जो बहुत इमीडिएट हिस्ट्री है और उसकी त्रासदी जो लोगों के मन में थी उसे भी ये निर्माता निर्देशक मोबिलाइज़ कर रहे हैं कई बार जो प्राकृतिक आपदा और बंटवारे के बीच का जो समीकरण है वह इन सांकेतिक दृश्यों सीनों के ज़रिए भी इन सिनेमा में हम पाते हैं बहुत प्रमुखता से पाते हैं यहाँ गौरतलब है कि यह जो दशक है वह नए देश के निर्माण का भी दशक है जहां कई बार बंटवारे की दास्तान सीधे तौर पर नहीं कह नेपथ्य में चलता रहता है और इसमें नए किस्म के नागरिकता का सवाल जो अगवा की गई महिलाओं का सवाल उनके रिकवरी का सवाल उनके अपने परिवार पितृसत्तात्मक परिवार और परिवार के पुरुषों के साथ वापस भरोसा जीतने और उस परिवार में मिलने का सवाल कठिनाइयाँ यह सब इस दौर के या बाद के भी बंटवारे के सिनेमा में बेहद प्रभावशाली तरीके से इनका चित्रण हम पाते हैं जैसे छलिया में नूतन और रहमान की शादी होने वाली होती है और वे बिछड़ जाते हैं और जब नूतन को वापस भारत लाया जाता है सरकार के द्वारा सरकार के एफर्ट्स से और वे पुराने के लिए नुमा एक रिफ्यूजी कैंप में रहती हैं तो उनका उन उनका पहले का पति रहमान उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं ऐसे में हम पाते हैं कि नूतन का किरदार कई बार आत्महत्या का कोशिश कर वो आत्महत्या की कोशिश करती है और उन्हें दरअसल एक हाशिए का सामाजिक कैरेक्टर छलिया राजकपूर जो सड़क छाप एक, एक ऐसा किरदार है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता वही बचाता है और वही भरोसा भी दिलाता है तो एक तरफ जो रिकवर्ड वोमेन हैं उपेक्षित हैं और दूसरे तरफ दूसरा समाज के हाशिए पर उपेक्षित किरदार उपाश्रयित किरदार है इन दोनों के बीच ये दोनों किस तरह से एक दूसरे को सहारा देते हैं और फिर से वापस परिवार मिल जाता है इसकी कहानी छलिया में तो देखेंगे कि अनेक स्तरों पर एक नए समाज के निर्माण की बात एक नए देश के निर्माण की बात और उसकी चुनौतियाँ इन सिनेमा के माध्यम से हमारे सामने आती हैं इसी तरह धर्मपुत्र में दरअसल एक बच्चे के बायोलजिकल मदर और उसका पालन पोषण करने वाली महिला माता इनके बीच के मूल्यों के टकराव की कहानी हम देखते हैं तो संक्षेप में कहें तो यहाँ कई ऐसे संकेत हैं कई ऐसे विजुअल इन्वेस्टमेंट हैं या मॉडल इन्वेस्टमेंट हैं जो उस दौर के समाज को समझने में मान्यताओं को समझने में बेहद अहम भूमिका अदा कर सकता है लेकिन यहाँ यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि जैसा हमने पहले भी देखा कि बंटवारे में क्षेत्रीय विविधता रही है और जैसे ही हम हिंदी सिनेमा जहाँ मुख्य रूप से पंजाब सेंट्रिक पार्टीशन का डिस्कोर्स है उसके अनुभव हैं वहीं दूसरी तरफ यदि हम बंगाली सिनेमा की तरफ जाएं, तो वहां फिजिकल वायलेंस से अधिक पहले के जमीन पहले के घर से नाता टूटने का दुख दर्द वह अधिक गहरे रूप से हमारे सामने आता है लॉस ऑफ लैंड वहाँ अधिक प्रभावशाली रूप से और उसकी संवेदनाएं पुराने घर के छूटने की संवेदना वह वहां केंद्र में है और यह बात हम छिन्नमूल हो या फिर ऋत्विक घटक की तीनों फिल्में कोमल गंधार मेघे मेग, ढाका तारा और सुवर्ण रेखा इन सब में हम वह जो इमोशनल जो अटैचमेंट उसका लॉस उसकी बेहतरीन अभिव्यक्ति हम देखते हैं जैसा हम जानते हैं कि बंगाल में कई चरणों में पार्टीशन हुआ और यहाँ इससे पहले भी कई फेजेज में लोग पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी बंगाल गए तो इन प्रक्रियाओं का इस माइग्रेशन का जिससे शहर का लैंडस्केप बना वह सब जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में वह सब बहुत संवेदना के साथ हमारे सामने आता है अब जो यह अप्रत्यक्ष रूप से संबंध की बात है अप्रत्यक्ष इशारे की बात है वहां कई बार हम इन सिनेमेटिक नैरेटिव्स में देखते हैं कि गांव से गांव छोड़कर शहर जाने का पलायन और सीमा के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का पलायन दोनों में हो जाता है जैसे मशहूर फिल्म मदर इंडिया में हम देखते हैं कि नरगिस जब गाने के बोल कर देती है ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना तो कहीं ना कहीं एक यहां एक मिथिक कॉल है जो इफेक्ट है वो मिथकीय रूप ले लेता है जिसमें पुराने समय के बंटवारा से पहले के समय के एकता का आह्वान है और एक ऐसे भविष्य की संभावना का आह्वान है जो हर किसी को पता है कि वह संभव नहीं है लेकिन वह आशावाद है वह एक तरह का यूटोपिया है जिसकी तरफ संकेत हमें मिलता है इसी तरह से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जब 1975 में गर्म हवा की तरफ आते हैं गर्म हवा न्यू वेव ऑफ़ इंडियन सिनेमा के रूप में न्यू इंडियन सिनेमा के रूप में इसे देखा गया जहां रियलिज़्म और पॉपुलर फिल्म इनके बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश है और यहाँ आगरे के एक परिवार जो की कहानी है जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान चला जाता है दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान छोड़ने से मना कर देता है लेकिन उसके बाद किस तरह से इस परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस तरफ यह फिल्म इशारा करती है और यहाँ हम उस इतिहास लेखन की बात स्वतः ही हमारे मन में आती है जिसमें इतिहासकारों ने लॉन्ग पार्टीशन की बात की या पार्टीशन लिगेसी की बात की किस तरह से बंटवारा कोई एक इवेंट न होकर अपने रेमिफिकेशंस में अपने परिणामों में अलग अलग तरीके से बेहद संश्लिष्टता के साथ आगे आने वाले कई दशकों को कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा इसी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक अलग किस्म का इंगेजमेंट जब 1988 में गोविंद नेहलानी का तमस जो भीषम साहनी के उपन्यास पर आधारित था वह हमारे सामने आता है और एक बार फिर से यह पंजाब के बंटवारे की कहानी है लेकिन अपने फलक में यह सिनेमा पहले सिक्स छः भागों में एक डॉक एक टेली सीरियल के रूप में बना और फिर इसका सिनेमा के रूप में रूप, रूपांतरण हुआ और इसके रिलीज़ का यह दौर वही दौर है जबकि पार्टिसन हिस्टोरियोग्राफी भी करवट ले रहा था जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं तो 1950 के दशक का सिनेमा और से बहुत भिन्न गर्म हवा हमारे सामने आता है अलग तरह के सरोकार अलग तरह की समस्या के साथ अलग तरह के ट्रीटमेंट के साथ और इन दोनों से बेहद अलग बहुत अलग तमस का कथानक तमस का चित्रण हमारे सामने आता है और इनसे बहुत अलग हम गदर एक प्रेम कथा या पिंजर जैसी फिल्मों को पाते हैं यहां बहुत विस्तार में इस तरफ जाना संभव नहीं होगा कि इनके इन अलग अलग दौरों के सिनेमा के बीच क्या समानताएं थी क्या अलग हो रहा था लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने पहले बात की कि इतिहास लेखन की प्रवृत्ति बदलती रही उसी तरह बंटवारे के सामाजिक दर्द को के चित्रांकन उनको कहने का अंदाज भी बदलता रहा और यह जो बदलता मंजर है उसकी तरफ मैं यहाँ इशारा भर कर रहा हूँ लेकिन इन सभी में इसी तरह और इन सभी अलग अलग सिनेमा में समाज के नए हिस्से का हम चित्रांकन देखते हैं जैसे गौहर जान में हम एक बेहद उपेक्षित सामाजिक तबके के साथ हमारा रूबरू होता है तो इस बदलते ऐतिहासिक जो समीकरण है समाज के साथ सामाजिक चित्रण जो इन सिनेमाई दस्तावेजों के जरिए हमारे साथ सामने आता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक मूल्यों की तरफ कुछ सामाजिक संदेश देने की तरफ एक जद्दोजहद हम हमेशा पाते हैं जैसे यदि आप अर्थ 1947 अर्थ जिसे दीपा दीपाशाही ने आ, क्षमा करें 1947 फोर्टी सेवन अर्थ जिसमें आमिर खान हैं नंदिता दास हैं उसके अंत की तरफ आप देखें अंतिम दृश्य यह बापसी सिद्धवा के उपन्यास आइस मैन का रूपांतरण है तो अंतिम दृश्य में हम पाते हैं कि कथाकार दिल्ली के बुरारी गांव में बबूल और कीकर के पेड़ के बीच जो जॉर्ज फिफ्थ के संगमरमर का विशाल का पुतला है मूर्ति है वहाँ बैठी हुई है और वह साम्राज्य के अबसान की बात कर रही है अंग्रेज साम्राज्य के अबसान की बात कर रही है यह जो कथाकार है यह सिनेमा में हम पाते हैं यह दरअसल एंग्लो इंडियन लड़की है जो दिव्यांग है और एक बच्चे के एक लड़की के नज़र से इस पूरे पूरी सिनेमा का कथानक गढ़ा गया है किस प्रकार एक लड़की अपने आँखों के सामने बंटवारे का मंजर देखती है उसका यह बयान है यह सिनेमा यह उपन्यास तो इस सिनेमाई धरातल पर हम पाते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण से इस बंटवारे के मंजर की दास्तां बयां की जा रही है इसका इतिहास लिखा जा रहा है और हर जगह कहीं न कहीं एक गहरे मानवीय मूल्य मानवीय संवेदना को उभारने की कोशिश है और अंत में इसी मुद्दे पर मुझे याद आता है धूल का फूल जो 1961 में आई थी और यह कोई बंटवारे पर बनी हुई सिनेमा नहीं थी लेकिन यहाँ एक वही नए देश के निर्माण का सपना नए नागरिक नए नागरिक मूल्यों के निर्माण का सपना हम पाते हैं उस मशहूर गीत में जब हमें बताया जाता है उस गीत में जो कहता है कि तू तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तो सांप्रदायिकता का जो दंश बंटवारे की हिंसा के रूप में आया यहाँ उससे बचने की बात है मानवीय मूल्य आधारित देश और समाज के निर्माण का आह्वान है और यही आह्वान है जो कि हमें इतिहास पढ़ने की तरफ प्रेरित करता है और यही इतिहास और बंटवारे की पर केंद्रित सिनेमा दोनों एक साझा जमीन एक दूसरे के साथ साझे ज़मीन पर आते हैं एक एक ही जमीन एक ही मानवीय मूल्य की जमीन को साझा कर रहे हैं और इसलिए भी एक इतिहास लेखन के विद्यार्थी या इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हमें इतिहास के मान स्थापित आर्काइव और इतिहास लेखन की स्थापित पद्धतियों से परे जाकर इन वैकल्पिक आर्काइव वैकल्पिक इतिहास लेखन की तरफ ध्यान देना होगा मैं यही विराम लेता हूं। अगले विषय के साथ अगले लेक्चर में हम फिर से उपस्थित होंगे तब तक के लिए शुक्रिया